लपेटते रहो मिठानी बनी। पता है बनी, एक बार मेरे अंकल ने पतंग इतनी ऊपर उड़ाई कि एक तारे के साथ पेंच लड़ाई। वो तारा टूट गया तो लोगों को लगा कि वो टूटता तारा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं हनी, एक बार मेरे अंकल ने टेरेस पर खड़े होकर इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि एलियंस वर्ल्ड में जाकर एलियंस पतंग लीग जीत कर आ गए। ले भाई लपेट। लपेटते रहो। कहिए हनी जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे बैंक से लोन चाहिए था। सर हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन देगा। अगर देने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों दे रहे हो? जाओ नहीं चाहिए। लपेटते रहो। यार सुना है कल अंडमान में साइक्लोन आया, ये साइक्लोन होता क्या है? अरे हनी, जब किसी को साइकिल पर लोन मिलता है उसे साइक्लोन कहते हैं। ले भाई लपेट। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। भागो भागो। ये गटर जैसी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है छोटे भाई? गधे, गटर में गंदी बदबू आती है, फूलों की खुशबू नहीं आती। हाँ पर हम गटर में क्यों आए हैं? क्योंकि मैं बिल्ला नहीं हूँ, पिग हूँ पिग, मुझे गंदगी पसंद है। आज तक बताया क्यों नहीं? हम सभी तो तुझे बिल्ला समझकर प्यार करते थे। एक्सक्यूज मी, मुझे ये लाल किले के पास जाना है। लाल किला? हाँ। तो जाओ ना, ऐसे हर किसी को बताते बताते जाओगे तो पहुँचोगे कब? लपेटते रहो। अरे यार आज मैडम घर की सफाई करने का बोल के गई हैं। आज हम सबको घर की सफाई करनी है। हाँ तो एक काम करते हैं, घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं, घर साफ हो जाएगा, है ना? अरे यार इसे कोई समझाओ, घर साफ करना है, इसके भेजी की तरह खाली नहीं करना है। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हाँ हनी। डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। हाँ हनी, तो अब क्या? आपने नहाने को मना किया था, आज इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं, अब नहा लूं क्या? लपेटते रहो। बड़े भाई, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? टूर्नामेंट? अरे छोटे भाई, ये जो तुमने हाथ में पहना है ना, उसे टूर्नामेंट कहते हैं। ओए, गधे की अक्ल वाले बिल्ले, उसे टूर्नामेंट नहीं ऑर्नामेंट कहते हैं। ये पोपट, एक हाथ में पहनो तो ऑर्नामेंट और दोनों हाथों में पहनो तो 2 ऑर्नामेंट्स, मतलब टूर्नामेंट। लपेटते रहो। छोटे भाई, ये सीनियर और जूनियर का क्या मतलब? समंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। और जो समंदर के पास हो उसे क्या कहते हैं? सीनियर। हाँ और जू के पास हो तो? जूनियर। अरे वाह, सीनियर जूनियर। ले भाई लपेट। लपेटते रहो विद हनी बनी। लपेटते रहो विद हनी बनी। हम उस आदमी के पीछे क्यों जा रहे हैं? वो तो आइसक्रीम भी नहीं बेचता। मुझे लगता है यही वो आदमी है जो नकली नोट मार्केट में चला रहा है। इसी की बात कर रहे थे इंस्पेक्टर पांडा, हम उसका पीछा कर रहे हैं। भाई साहब चलते रहो, रुकोगे तो हम पीछा कैसे करेंगे? लपेटते रहो। पुत्री क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? अरे छोटे भाई कुछ नहीं, मुझे ना नॉनवेज खाने का बहुत मन कर रहा था। हाँ तो फिर? फिर क्या, मैं बस चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। हाँ लपेटते रहो।
बड़े भाई, हम पिकनिक के लिए कहाँ जाएं? चलो कब्रिस्तान चलते हैं। पागल है क्या, कब्रिस्तान भी कोई विजिट करने की जगह है? पर मैंने तो सुना है लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप वो दही हांडी के लिए चंदा चाहिए। चंदे की क्या जरूरत है, दही देता हूँ, हांडी में दूध के साथ डाल देना, शाम तक दही हांडी तैयार। अरे दही नहीं जमाना है, दही हांडी फोड़ने के लिए चंदा चाहिए। जब फोड़नी है तो खरीदने में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मिट्टी की हांडी बनाने वाला कुम्हार होता है, दही हांडी फोड़ने का त्योहार होता है। ठोको ताली। मैंने दही की हांडी निकालने में फोड़ दी थी तो मैडम ने बहुत डांटा था। ईश, चलो चलो, इनका चंदा मैं अपनी जेब से भर दूंगा। लपेटते रहो। ऊपर तुम आ गए? नहीं, मैं अभी रास्ते में हूँ। कोई शक? रास्ते में तो यहाँ कैसे दिख रहा है? हनी, हमारे दिमाग का भरता मत बना, पहले मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, तुम लोगों ने चेहरा क्यों उतार रखा है? जोरदार, तुम भी कुछ भी बोल देते हो, उनका चेहरा उनकी गर्दन के ऊपर ही कहाँ उतार रखा है। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी, ABCD सुनाओ। ABCD। और सुनाओ। और सब बढ़िया है, आप सुनाओ। लपेटते रहो। यस, हमारी नई एड फिल्म में तुम एक्टिंग करोगी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ उछल कूद करना है, पर हमारे जूते पहनकर। आपके जूते किट्टी को कैसे आएंगे? ओह नो। हमारा मतलब हमारे नहीं डफर, हमारी कंपनी के जूते, जिसका एड बनाना है। कोई डायलॉग नहीं है, तुम्हें भागते हुए गुंडों से बचना है। जब गुंडे भाग ही रहे तो उनसे बचने की क्या जरूरत है? अनी, यमुना नदी कहाँ बहती है? यमुना नदी जमीन पर बहती है। ओहो, यहाँ मैप में कहाँ बहती है बताओ? मैप में कैसे बह सकती है, मैप गीली होके गल नहीं जाएगी। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे हनी के पास फोन। हेलो हेलो। अरे बड़े भाई, नया फोन कब लिया? ये फोन नया नहीं है, किटी का है। किटी का? किटी का फोन क्यों ले आए? वो रोज बोलती है मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज चांस मिला तो फोन उठा लाया। लपेटते रहो। पकड़ो, ये दोनों टेररिस्ट है। पकड़ो। वाओ, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ओह शाबाश पुत्रों, शाबाश। ईश, हनी, तेरी बेवकूफी के कारण मुझे प्रमोशन मिलेगा। पूरा मत खा जाना, थोड़ा हमें भी देना। ईश, प्रमोशन खाने की चीज नहीं होती। फिर आप ही ले लो, फालतू चीजों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। छोटे भाई, ये कॉफी जल्दी जल्दी पी लो। पर बड़े भाई, ये बहुत हॉट है, इसीलिए तो जल्दी पी लो, वरना कोल्ड हो जाएगी। हाँ तो कोल्ड हो जाएगी तो क्या होगा? वो देखो, हॉट कॉफी 50 रुपए और कोल्ड कॉफी 100 रुपए। लपेटते रहो। इतनी सारी मधुमक्खियाँ, भागो। भगाओ कार। आगे। आगे। आगे।
ही पड़ गए हैं। कार और तेज चलाओ। और तेज नहीं चला सकता, रास्ता खराब है। हाँ तो आने के पहले रास्ता ठीक करवाना था ना। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। हनी और बनी, ये बताओ 8 का हाफ कितना होता है? मैं बताता हूँ, 8 का हाफ 4 होता है। हनी, क्या ये करेक्ट है? टीचर, ये तो डिपेंड करता है हम 8 का हाफ कैसे करते हैं। सीधा हाफ करेंगे तो 3 होगा और आधा करेंगे तो 0। लपेटते रहो। दोस्तों, टमाटर अटैक। ओए, कौवे हमारे टमाटर खा रहे हैं, भगाओ उन्हें। उस पड़ो। मुझे क्यों मारा? तू कौओं के बीच में उड़ रहा था, मुझे लगा कौवा है। गधे, हरे रंग का कौवा होता है क्या? मुझे लगा बेवकूफ बनाने के लिए कौवा भेष बदल के आया है। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। बनी ऑटोमेटिकली मतलब? अरे हनी, अगर कोई आदमी गंजा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टकला। और अगर कोई लड़की गंजी हो तो उसको क्या कहेंगे? टकली। और वो लड़की अगर ऑटो में बैठकर कहीं घूमने जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो में टकली। अरे वाह, ऑटो में टकली। ले भाई लपेट। लपेटते रहो। मैडम हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाती हैं, हमें भी उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हाँ एकदम करेक्ट, हमें भी ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा मैडम हमारे साथ करती हैं। पर मैडम हमारे कटोरे में दूध कैसे पिएंगी? वो तो ग्लास में पीती है ना। अरे यार तू बेवकूफ है क्या? अच्छा मतलब मैडम हमारे कटोरे से दूध पीती हैं पर कभी देखा नहीं। लपेटते रहो। अरे जोरदार, जरा देखो तो बाहर सूरज निकला है या नहीं। हनी बाहर तो अंधेरा है। अरे तो टॉर्च जला कर देख लो। लपेटते रहो विद हनी बनी, लपेटते रहो विद हनी बनी। इतना धुआं क्यों हो रहा है? हनी बेवकूफ, कुकर फट गया। कोई शक? कोई शक नहीं, कुकर ही फटा है। कैसे फट गया? मैंने कहा था ना कुकर को देखना। कुकर कोई देख रहा था? जब दाल बन गई थी तो गैस बंद क्यों नहीं की? तूने गैस बंद करने का नहीं कहा था। हाँ? सिर्फ कुकर को देखने का कहा था। लपेटते रहो। बड़े भाई वो देखो, कोई अपना बैग भूल गया। चलो देखते हैं किसका है। उत्तरी, ये तो बॉम्ब है, वो भी दो दो बॉम्ब है। चलो हम ये बॉम्ब इंस्पेक्टर पांडा को दे आते हैं। अरे अगर रास्ते में बॉम्ब फट गया तो झूठ बोल देंगे, एक ही बॉम्ब मिला था। लपेटते रहो विद हनी बनी। सब्सक्राइब टू सोनी ये फॉर मोर सच फन वीडियोस।